नमस्ते, आइए। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जरूर, आप ही का तो घर है। अरे, ये मेरा घर कैसे हो सकता है? ये तो मेरी समधन का घर है, मेरी बेटी का घर है। बेटी का घर तो आप ही का तो हुआ। क्या कह रही हो तुम? बेटी का घर मेरा घर कैसे हो सकता है? जरा सोचो, अगर मैं इधर आकर रहने लगूं तो क्या आप लोग मुझे रख लेंगे? वैसे भी ये घर थोड़ा छोटा है, जगह की कमी है, खर्चे में भी आप लोगों को तकलीफ हो रही है। मेरी बेटी को बाहर कमाने जाना पड़ता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। पाल खुद कमाती है, खुद को बिजी रखने के लिए वो काम करने जाती है। उसे घर के किसी ने भी नहीं कहा है कि तुम काम करो। क्या कह रही हो तुम? उसके ससुर बिशंबर नाथ जी ने कहा कि वो बिजनेस शुरू करे, घर से बाहर जाकर काम करे। उन्होंने अपने आप नहीं कहा है। पायल ने जिद की तो उन्होंने इजाजत दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि बाहर जाकर काम करो और घर के खर्चे चलाओ। उनके बंद अल्फाज में इशारा तो इसी तरफ था ना। अगर वो चाहते तो उसे रोक भी लेते, पर वो तो यही चाहते थे कि ये जाकर बाहर काम करे तो घर का खर्चा चले। मैंने कहा ना, ये घर पायल के खर्चे से नहीं चल रहा है। माफ करना, ये घर बाबूजी के खर्चे से चल रहा है। वो किस तरह से खर्चा करते हैं, कैसे करते हैं, ये उन्हें ही मालूम है। हमने कभी जाने की कोशिश भी नहीं की, ना ही उन्होंने हमें कभी बताया है। अच्छा, क्या बात कर रही हो? घर के जवान लड़के घर में बैठे मुफ्त में रोटियां तोड़ रहे हैं और बेचारा पूरा खर्चा चला रहा है। ये बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अकेले बिजनेस शुरू कर रहे हैं? आज तक तो सब मिलकर बिजनेस करते थे। इसका मतलब है इस घर की एकता खत्म हो रही है। अब ये घर टूटने वाला है। खबरदार, इस घर को टूटने की आइंदा बात कभी मत कीजिए। कमाल की बात है, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। जरा सोचो तो सही, जमाना क्या कहेगा? दीवान साहब की बहू घर से बाहर काम करने जाती है। आपसे तो बात ही करना बेकार है। आप बात का मतलब कुछ और ही निकाल लेती हैं। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं कम अकल हूँ, मेरा दिमाग खराब है, मैं हर बात का गलत मतलब निकालती हूँ? आज तक मेरी बेटी ने मुझे कुछ नहीं कहा। इस घर की बहुएं मेरे साथ उल्टी सीधी बातें करती हैं। कहाँ है मेरी बेटी? ऊपर अपने कमरे में है। पता होता यहाँ अगर मेरी इतनी बेइज्जती होगी तो कभी ना आती। सुबह सुबह किसका नहीं देखा था। मैंने अपनी तस्वीर देखी होगी। अरे माँ, तुम रो रही हो? क्या हुआ? सब ठीक चल रहा है? अगर सब ठीक होता तो मैं रो क्यों रही होती? वो लाल माँ को रोता नहीं देख सकती ना? तो बस सही होगा। ये बात तो सही है, लेकिन क्या हुआ माँ? मुझे रोता हुआ देखकर तुझे कुछ करना चाहिए ना? माँ, आखिर बात क्या है? तुम्हें किसने क्या कह दिया? क्या नहीं कहा? तूने तो कभी मेरे सामने सर उठा के बात भी नहीं की, कभी जबान नहीं चलाई, और इस घर की बड़ी बहू सुभद्रा ने मुझे जलील किया है। ऐसे क्या कह दिया उन्होंने? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि इस घर के सब बेटे बेकार बैठे हैं और मेरी बेटी बिजनेस चला रही है। बस मेरा इतना कहना था कि उसने मुझे बातें सुनानी शुरू कर दी। तभी तो किसी को रही नहीं गई है। जब से ये घर बर्बाद हुआ है ना, इंसानियत ही खत्म हो गई है। माँ चुप रहिए, सुभद्रा भाभी ऐसा नहीं कह सकते। मतलब ये कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुझे मुझ पे विश्वास नहीं है? ठीक है, मैं जाकर सुभद्रा भाभी से बात करती हूँ। आप भी चलिए मेरे साथ। भाभी, ये माँ क्या कह रही है? पायल, मुझे पता था कि ये सवाल तुम मुझसे करने जरूर आओगी। तुम अपनी माँ से ही पूछो ना कि मैंने उनसे क्या कहा। भाभी, माँ कह रही है कि आपने उन्हें कुछ उल्टा सीधा सुना दिया। मैंने तो सिर्फ सीधी सीधी बातें की थी। अगर इन्होंने इसका उल्टा मतलब ले लिया तो मैं क्या कर सकती हूँ? इन्होंने कहा कि तुम घर के काम करती हो और घर के खर्च भी उठाती हो। ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो तुम अपनी माँ से ही पूछो ना। राम राम, ये क्या कह रही है? अरे मैंने कहा पूरब तो ये कह रही है पश्चिम। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मेरी बेटी घर से बाहर काम करने जाती है, तो इस घर की इज्जत का क्या होगा? मैंने तो इस घर की भलाई के लिए कहा था ना, अपनी बेटी के खिलाफ ही कहा था। पाए, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने उल्टी सीधी बातें की हैं तो मुझे माफ कर दो।
लेकिन मेरा भगवान गवाह है, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। झूठ, सफेद झूठ, कसम को तो लोगों ने मजाक बना लिया है। ये बात हुई तो ये कसम, वो बात हुई तो वो कसम, पता नहीं इस दुनिया का क्या होगा। बस करो माँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। भाभी कभी भी भगवान की झूठी कसम नहीं खा सकती। तेरा मतलब कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं गलत कह रही हूँ, मैं ही पागल थी जो तुझसे मिलने चली आती हूँ। मुझे क्या पता है कि अब बच्ची मेरी नहीं रही, दूसरों की हो चुकी है। आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी, थूकूंगी भी नहीं इस घर पे। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी माँ ने या आइंदा ने आने की बात कह दी। भाभी जाने दीजिए ना, माँ जब भी आती है यही कहती है कि आइंदा मैं नहीं आऊंगी, और फिर आ जाती है। उनकी तरफ से मैं आपसे को लेकर अभी तक नाराज हो? हाँ, बात मत करो मुझसे। आपकी ये नाराजगी दूर करने का तरीका है मेरे पास। अब इसे नाराज होना कि मैंने बताया नहीं कि मुझे ये 2 लाख रुपए कहाँ खर्च करने हैं? 2 लाख रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है ना? आंखें बंद करो, तुम्हें इसका जवाब दे। आंखें खोलो। ये किसका है? तुम्हारे लिए। जो मैंने जो कर्ज लिया था उस कर्ज को उतारने के लिए तुमने अपने सारे सेवरात बेच दिए थे। घर वालों की बातें सुनी थी मैंने, तभी फैसला कर लिया था। वो फिक्स डिपॉजिट स्कीम जब मैच्योर होगी उससे मैं तुम्हारे लिए सेवरात लूंगा। जब तुम कुर्बानी दे सकती हो क्या मैं कुर्बानी नहीं दे सकता? क्या तुम्हारी जरूरत इससे बड़ी जरूरत है? आपने ये कहकर बात को खत्म कर दिया ना, मुझे इस लायक नहीं रखा, अब मैं क्या कहूँ? नहीं फिर बताओ ना, क्या तुम्हारी जरूरत इससे ज्यादा बड़ी थी? पत्नी के हिसाब से सोचो तो इससे भी बड़ी जरूरत थी मेरी। अच्छा, हमारे पास एक ही कार है, वो कार कभी सुमित लेके जाता है कभी अरुण लेके जाता है। आप तो बस कभी बस में जाते हैं कभी ट्रेन में कभी रिक्शा में। आपको तकलीफ होती होगी ना, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं वो 1 लाख से सेकंड हैंड कार खरीद लो। कमाल है, तुम मेरे बारे में सोच रही थी, मैंने जाने क्या क्या सोच लिया। मतलब असल मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है, मैंने आदत डाल ली है, वक्त के साथ समझौता कर लिया मैंने। तुम्हें जेवरात की जरूरत है, औरत बिना जेवर के अधूरी लगती है, इसलिए मैं ये लेके आया हूं। सुंदर, सुंदर क्या हुआ, क्यों रो रही? मुझे मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी हो रही है। आपको पता है कल 2 लाख रुपए की बात को लेकर हम दोनों में बहस हो गई थी। हाँ? और आपने उसकी जरूरत नहीं बताई, तब मैंने सोचा मैं कितनी बड़ी पापन हूं, मैंने कुछ और ही सोच लिया था। क्या सोच लिया था तुमने? मैंने सोचा शायद आपने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया। इस बात को लेकर मैंने आपसे झगड़ा भी किया और इस वजह से मैं रात भर सो नहीं पाई। आपने मेरी खुशी चाही और मैंने इसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। जब पत्नी को पति माफ कर देता है ना तो भगवान माफ करने में मजबूर हो जाता है। विषम भरत, ये क्या
तेरी आंखों में आंसू। बस ऐसे ही माँ। मैं समझती हूँ, इस घर की हालत को देखकर तू सोच में पड़ा है। हम जो झूठी शान बनाए रखने में तुले हुए हैं, उसका तुझे अफसोस है। मैं ठीक कह रही हूँ ना? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं। मुझे पता है घर में छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं, वो कभी भी बड़े झगड़ों का रूप ले सकते हैं। एक बात कहूं, कभी कभी मुझे लगता है ज्योति जो कह रही थी ठीक ही कह रही थी। इतने बड़े परिवार को एक छत के नीचे रखना नामुमकिन है। छोटे छोटे झगड़े बड़े हो जाएंगे और वो दिन दूर नहीं, सब एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। यही तो मैं नहीं चाहता मां। मैं चाहता हूं कि जो भी फैसले हो प्यार और मोहब्बत से। हमारा क्या है मां, हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अपने परिवार को बिखरा कर हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं। मां, मां अगर ऐसा कभी हुआ ना मां, तो हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये बात मेरे भी दिल में है बेटे। मैंने एक बात सोची है, अपनी खुशी के लिए हम बच्चों को क्यों बंधन में बांधे रखें? क्यों ना हम उनको खुली छूट दे दें ताकि वो अपनी अपनी जिंदगी गुजारे? ये कैसे हो सकता है मां? मेरी बात मानेगा? तू इस घर को बेच दे, सबको उनके हिस्से दे, सब अपने अपने फ्लैट लेकर रहे हैं। तुम्हारा क्या है? तीन तीन बेटे हैं, अब भी उनके दिल में हमारे लिए प्यार है। कोई भी हमें रख लेगा, और नहीं रखेंगे तो बहुत से सहारे हैं दुनिया में, कहीं भी चले जाएंगे। ये तुम क्या कह रही हो मां? इस बंगले को बेचने की मैं सोच भी नहीं सकता। इस बंगले को बेचना ये एक ही रास्ता है। बहु बेटियों के दिल में आपस में प्यार बनाए रखने का ये एक ही रास्ता है। वरना वो दिन दूर नहीं, सब अपने अपने दिलों में नफरत लेकर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। क्या तू चाहता है कि हम ये बात लेकर इस दुनिया से चले जाएं कि हमारे बच्चे अलग अलग हो गए? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता मां। नहीं तो फिर मेरी बात मान ले बेटे। अगर तुम कहती हो तो मैं कल ही किसी एस्टेट एजेंट वाले से बोल देता हूं कि हमारा बंगला बिकवा दे। ये बंगला नहीं बिकेगा। आपने क्या समझ लिया है? हम लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं, आप इसको देखिए हम अलग अलग हो जाएंगे। गलत समझ रहे हैं आप। लड़ना और फिर मिलना, ये तो प्यार की निशानी है।
खुदा, भगवान के लिए ये बंगला बेचने की बात मत कीजिए। बाबूजी, आप ही ने हम सबको मिलाया और आप ही हमें अलग अलग करना चाहते हैं। नहीं बेटे, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? हमें अपना भविष्य का रास्ता नजर नहीं आ रहा है और इसीलिए सबके दिमाग में एक डर बैठ गया है कि जिंदगी कैसे जिएंगे। नहीं बेटा, अरुण अलग बिजनेस करता है, तुम और सुमित दोनों बेकार हो, इसीलिए झगड़े हो रहे हैं। बाबूजी, मैं आपका सबसे बड़ा बेटा हूं तो सबके भविष्य के बारे में आगे क्या होगा, कैसे होगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है सोचने की। मैं हर वो कोशिश कर